हेलो, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो में रूम हीटर का कैसे रिपेयर होता है, क्या सिस्टम रहता है, वो मैं समझाने बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये इंडियन टेक्निकल क्लासेस में आपको, अगर यहाँ पे आप क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल बारीकी तरीके से समझाया जाता है, ताकि आप यहाँ से क्लास करने के बाद अगर निकलते हैं तो आपको मार्केट में कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो आइए, समय गंवाए हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो टोटल रूम हीटर का ये डायग्राम बना चुका हूं ताकि ज्यादा समय ना लगे। तो ये मेरा रूम हीटर है और ये काम कैसे करता है, क्या है, कौन सा पार्ट कहाँ है, इसमें ज्यादा कोई विशेषता होती नहीं है। तो आइए हम आपको बारीकी तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले समझ ले कि ये जाली नुमा एक प्रकार का ये हीटर होता है और उसके अंदर एलिमेंट लगी होती है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट रहता है जो 500-500 वाट की रहती है, किसी में 1000 वाट भी रहती है। एक का ही 1000 वाट रहता है, किसी किसी में 500-500 वाट का 1000 एलिमेंट रहता है। तो ये मेरा दो एलिमेंट लगा हुआ है और ये काम कैसे करता है वो भी बताएंगे। और मेरा दोनों को यूज करने के लिए दो स्विच लगा हुआ है। तो दो स्विच क्यों है, किस लिए, कैसे लगा है, ये टोटल मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ज्यादा ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने न्यूट्रल और फेज बिजली का 220 वोल्ट मैंने न्यूट्रल फेज दिया। आपको बताता चलूं, दो सौ बीस वोल्ट इनपुट। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ, न्यूट्रल का वायरिंग कर लेता हूँ। तो न्यूट्रल का वायरिंग एक ब्लैक होती है या कोई भी कलर हो, मैंने एक न्यूट्रल यहाँ से लिया, 5 पिन सॉकेट से न्यूट्रल लिया। न्यूट्रल लेने के बाद मैं यहाँ एक एलिमेंट में एक और एक वहीं से कनेक्शन करके इसमें, यानी कि इसको कॉमन कर दिया। एक न्यूट्रल को मैं दोनों एलिमेंट में कॉमन कर दिया, इसका मेरा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आते हैं फेज की तरफ। तो फेज यहाँ से उठाते हैं, फिर 5 पिन सॉकेट दूसरा रेड वाले किसी भी प्रकार का हो, उस फेज को वायर को उठाते हैं और सबसे पहले मैं दो स्विच को सीरीज कर देते हैं। दो स्विच को सीरीज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से आने के बाद एक स्विच पे यहाँ जाएगा और एक स्विच यहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली नीचे से नीचे सीरीज हो जाएगा, इसका काम भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक स्विच से मैं एक एलिमेंट को यहाँ से देख सकते हैं कि लाइन देकर यहाँ से आपका यूज कर दिया और दूसरा स्विच से मैंने यहाँ पे इसको चला दिया। अब मैं दो स्विच जब इसमें दो एलिमेंट लगाया हुआ है, दोनों को जलाना है, मगर दो स्विच क्यों लगा, ये आप सवाल बनते हैं। तो इसके लिए हम इसलिए दो स्विच को लगाते हैं, बाय द वे हमें नॉर्मल हीट की आवश्यकता होती हो तो मैं एक स्विच को ऑफ करके एक स्विच को जला सकता हूं। अगर मैं मुझे ज्यादा हीटिंग की आवश्यकता हो तो मैं दोनों स्विच को यहां पे जला सकता हूं। अब आते हैं इसमें फॉल्ट प्रॉब्लम कैसे क्या होता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। अगर ये एलिमेंट कट जाती है फिर भी ये बन जाएगा, बिना चेंज किए बन जाएगा, फिर कैसे बनेगा इसके लिए मैं बताता हूं आपको। तो उससे पहले मैं बताने से पहले ये जानकारी दे देता हूं कि इसमें इस प्रकार साइड से एक कवर कसा हुआ होता है, एक कवर कसा हुआ था, इसमें पेच का सिस्टम रहता है, आपका बॉडी में पेच कसा हुआ रहता है, उसी प्रकार इसमें भी एक पेच का सिस्टम होगा आपका, इस प्रकार जो बॉडी में कसा होगा। अब बताते हैं कि ये खराब होने के बाद भी यही एलिमेंट कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे नट या स्क्रू से टाइट किया हुआ रहता है एलिमेंट को प्लास्टिक के बॉडी में, ठीक है। और वो प्लास्टिक का बॉडी में रहता है, उससे पहले एक मेटल होता है चीनी मिट्टी का, जिसके कारण प्लास्टिक को हीट ना पहुंचे, ना प्लास्टिक खराब हो पाए, ना प्लास्टिक गले, इसके लिए दिया रहता है। अगर बाय द वे सबसे पहले चलते हैं कि अगर हीटिंग एलिमेंट मेरा खराब हो गया तो इसको चेंज कैसे करते हैं। तो ये हीटिंग एलिमेंट एक ग्लास का शीशा के अंदर पैक रहता है, जिसको यहाँ से बिल्कुल आसानी तरीके से खुल जाता है, खोल के निकाल लेंगे। खोल के निकालेंगे कैसे, बिल्कुल बारीकी तरीके से समझे कि सबसे पहले यहाँ पे एक कवर रहता है, इस पेज को हटाना है, इस साइड से पेज को हटाना है, कवर दोनों साइड से हट जाएगी। हटाने के बाद क्या करना है, जाली आपको बिल्कुल ही नहीं हटाना है, आप हटा भी सकते हैं मगर सुविधा के लिए न भी हटा सकते हैं, मगर हटाना ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू नट को खोलेंगे, यहाँ से स्क्रू नट को खोलेंगे और एलिमेंट को बाहर निकालेंगे, शीशा सहित बाहर निकल जाएगा आपका। उसी प्रकार ये भी, इसको भी हम निकाल सकते हैं।
उसके बाद नए मार्केट से लाकर आप इसमें लगा सकते हैं। ओके, इस तरह से मेरा ये रिपेयर हो जाएगा, वायरिंग सेम टू सेम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। न्यूट्रल को उठाना है, दोनों में कॉमन करके ज्वाइंट कर देना है, और फ्यूज को उठाना है, दोनों स्विच में कॉमन करना है, और दोनों स्विच से दोनों एलिमेंट में दे देना है। यहाँ तो मेरा कंप्लीट है। अब ये खराब बिना चेंज किए, अगर ये मेरा कट जाता है तो बिना चेंज किए कैसे ठीक होगा? तो बाय द वे एलिमेंट पूरी तरीके से खराब नहीं होता, नहीं पूरी तरीके से ये करता है, क्योंकि इसके अंदर एक तार होता है जो तार हार्ड होता है मगर ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है। तो इसको क्या है कि आपका जब भी ये खराब होता है तो आपका यहाँ बीच से कट जाता होगा या यहीं साइड से टूट जाता होगा। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, आप यहाँ पे इसको दोनों वायर को लेकर अच्छी तरीके से यहाँ पे मेढ़ देंगे। यहाँ से कट रहा है तो हल्का सा इसको लमरा कर इस वाले नट में टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये भी मेरा चालू हो जाएगा। इस प्रकार मेरा ये हीटिंग एलिमेंट काम करने लगेगा। आप चाहे तो इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, किसी टेक्नीशियन मिस्त्री की इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, और आप बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी तरीके से ये बताया गया। अगर इसमें कोई भी कहीं भी आपको अगर दिक्कत आता हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और टेक्निकल क्लासेस में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप क्लास की इंक्वायरी, कोर्स की इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू।